कभी कभी मेरे लिए भी बड़ी मुसीबत हो जाती है, कितना अच्छा तहत हाजिर कर दिया, अब उतना ही अच्छा तरन्नुम भी पेश करना पड़ेगा। अब मैं उस तरन्नुम को बुलाने से पहले ये चार मिसरे हाजिर कर दूं, ताकि लेकिन ज़्यादातर 80 या 90% शेर मैं खुद अपने पढ़ रहा हूँ। मौला हर एक नाज़िम को ये तौफीक अता फरमाए। मैं चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ और देखिए याद कर करके वो कतात में पढ़ रहा हूँ जो मैं कहीं पढ़ता नहीं। समात फरमाए, कुछ नई बात होगी इसीलिए पढ़ता हूँ। बहरसू खुतबे सानिये जहरा के उजाले हैं, बहरसू खुतबे सानिये जहरा के उजाले हैं, मगर वो सब अंधेरे में है जितने शाम वाले हैं। अरे क्या बहरसू खुतबे सानिये जहरा के उजाले हैं, मगर वो सब अंधेरे में हैं जितने शाम वाले हैं, अब पसीने में नहाया है, पसीने में नहाया है यजीद इस बात को सुनकर, पसीने में नहाया है यजीद इस बात को सुनकर, इसी ने अकबर अब्बास जैसे शेर पाले हैं, पसीने में नहाया है यजीद इस बात को सुनकर, पसीने में नहाया है यजीद इस बात को सुनकर, इसी ने अकबर और अब्बास जैसे शेर पाले हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे सुहेल बस्तवी साहब से कि माइक पर तशरीफ लाएं, आप हजरत नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाजिर ने महफिल, सलामुन अलैकुम। एक बार फिर आप सबको एक बेहद कामयाब जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे, आपके समातें परवरदिगार आप सबको शादोबाद रखे। आज के इस मुकद्दस जश्न के सदक़े में जो भी नेक दिली हाजात हैं मालिक पूरी करें, और एक से एक शेर जो मुझसे कब शुराए कराम ने पढ़े, और एक से एक शेर मेरे बाद शुराए कराम पढ़ेंगे, मौला सबकी नौकरी कबूल फरमाए, सबको सलामत रखें। एक बार दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शब्बीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब, सारे शेर सारे काफ़िए तज़मीन भी तकरीबन सब सुन चुके हैं, कोशिश है दुरूद पढ़ें तो मैं हाजिर करता हूँ। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दरबार शाम का मंज़र है, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबे के हर एक लफ्ज में वो धार है ज़ैनब। दरबार का मंजर है, सारे शेर सब सुन चुके हैं आप। खुतबे के हर एक लफ्ज में वो धार है ज़ैनब, खुश आज अलमदार की तलवार है ज़ैनब। खुतबे के हर एक लफ्ज में वो धार है ज़ैनब, अरे खुश आज अलमदार की तलवार है ज़ैनब। खुतबे के हर एक लफ्ज में वो धार है ज़ैनब। मौला गौहर भाई को सलामत रखें, इनका एक शेर था वो नज़म रखें। और ये दूसरा मिसरा आ चुका है, बारह आएगा। ऊपर के मिसरे के लिए तवज्जो का तालिब हूँ मैं, कोई तमीद नहीं है क्योंकि अभी
हमारे भाई तनवीर भी कह चुके हैं, मौला आप सबको सलामत रखे। ये बस्ती यहाँ एक एक शेर नहीं कि एक मिसरे के क्लस पे दाद मिलती है। शेर हाजिर कर रहा हूँ। इस जश्न में माँ बहनों ख्याल इसका भी रखना, इस जश्न में माँ बहनों ख्याल इसका भी रखना। अरे इस पार है शबीर तो उस पार है ज़ैनब, जश्न में माँ बहनों ख्याल इसका भी रखना। इस पार है शबीर तो उस पार है ज़ैनब। खुतबे के हर एक लफ्ज में वो धार है ज़ैनब। मौला के अज़ादार बैठे हैं, अभी बेयामे अज़ा ख़त्म हुआ है, कुछ कहना नहीं है, शेर समाप्त कर लें। दरबार यहाँ लगता है शबीर का, लेकिन अज़ा खाने में बैठे हैं आप, फर्श अज़ा तसव्वुर में रखें। दरबार दरबार यहाँ लगता है शबीर का, लेकिन अरे ये फर्श अज़ाब आपकी सरकार है ज़ैनब। फर्श अज़ाब जी हैं। जी हाँ भाई, सलामत रहो, सलामत रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जश्न में माँ बहनों ख्याल इस का भी रखना। रे इस पार है शबीर तो उस पार है ज़ैनब। दरबार यहाँ लगता है शबीर का, लेकिन ये फर्श अज़ाब की सरकार है ज़ैनब। ये मातमी बैठे हुए, एक शेर और समाज कर लें। अरे जहरा की रजा होगी मगर बांटेंगी बीबी, जहरा की अरे जहरा की रेजा होगी मगर बांटेंगी बीबी।
अरे हसनैन की जन्नत की जमींदार हसनैन की जन्नत की जमींदार है ज़ैनब। खुतबे के हर एक लफ्ज़ में वो धार है ज़ैनब। ये भी शेर सुन ले, मौला सलामत रखे। खुतबे के हर एक लफ्ज़ में वो धार है ज़ैनब। अरे सरदारे मलाइक जिसे कहता है जमाना, सरदारे 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 मलाइक जिसे कहता है जमाना, वो आपके बाबा का नमक खार है ज़ैनब। जहरा की रेजा होगी मगर बांटेंगी बीबी हसनैन की जन्नत की जमींदार है ज़ैनब। अब एक कथा बंद है, मौला ताकत दे पढ़ने की। मैं शेरा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरदार मलाइक जिसे कहता है जमाना, अरे वो आपके बाबा का नमक खार है ज़ैनब। आई है उसी खेमे में आबिद को बचाने, अरे आई है उसी खेमे में आबिद को बचाने, आई है उसी खेमे में आबिद को बचाने। नबियों का ठहरना जहां दुश्वार है शब्बीर के मकसद के लमदार है ज़ैनब। नबियों का ठहरना जहां
दुश्वार है ज़ैनब। बड़े शेर सुने, इमाम मशवरा लेते हैं, एक शेर समाप्त कर ले। आबिद ने यूं पूछा था, करे क्या फूफी अम्मा। आबिद ने यूं पूछा था, करे क्या फूफी अम्मा। अरे वो जानते थे अब सिपाह सालार है ज़ैनब। वो जानते आई है उसी खेमे में आबिद को बचाने। नबियों का ठहरना जहां दुश्वार है ज़ैनब। अरे आबिद ने यूं पूछा था, करे क्या फूफी अम्मा। वो जानते थे अब सिपाह सालार है ज़ैनब। वो जानते थे अब सिपाह सालार है ज़ैनब। तज़मीन सुन चुके हैं। कुनबे की शुजात के अलमदार हैं अब्बास। कुनबे की शुजात के अलमदार हैं अब्बास। शबीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब। शबीर के मकसद की अलमदार है ज़ैनब। इस जश्न में माँ बहनों ख्याल इसका भी रखना। इस पार है शबीर तो उस पार है ज़ैनब। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बलंतर सलवार। आई है उसी खेमे में आबिद को बचाने। अरे नबियों का ठहरना जहां दुश्वार है ज़ैनब। खुतबे के हर एक लफ्ज में वो धार है ज़ैनब। खुश आज अलमदार की तलवार है ज़ैनब। यकीन जानिए बेपनाह मोहब्बत है पूरी जौनपुर जो सरजमीन है। मेरे भाई मुझे मौला इनको आप तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। मौला शहजादी आप सबसे राज़ी हो। इस जश्न के सदक़े में जो भी नेक दिली हाजात है, जो बीमार हो मौला उनको शिफा दे। तमाम मोमिन मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए तमाम मरहूमिन मरहूमात, तमाम शहदाए राहे हक़, शहदाए मिल्लत जाफ़रिया के बुलंदिया दर्जात के लिए और बिलखसूस इमाम के ज़ुल्म के लिए बहुत बुलंद दुरूद पढ़ दें। मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में लूँगा भाई का हुक्म है। उससे पहले एक मत्ता चंद अशआर यहाँ जब आए थे तो कुछ लोगों ने कहा था, नहीं अभी तवील फहरिस्त है, मैं हाज़िर कर दे रहा हूँ। और जैसा कि हमसे पहले जितने शुरा कराम हैं, वक्त का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त भी हो रहा है। मैं एक मत्ता चंद अशआर भाइयों ने हुक्म दिया तो उसके बाद सलवात पढ़ दें। मोहम्मद वा वारिसे मुख्तार के पीछे पीछे रदीफ है पीछे पीछे वाह से अहमद मु
पीछे पीछे हक चला है दरे करार के पीछे पीछे हक चला है दरे बहुत जल्दी जल्दी पीछे पीछे मौला अब्बास के गुलाम मौजूद हैं हक चला है दरे करार के पीछे पीछे तो पाओ पाओ गाजी ने कभी आगे बढ़ाए ही नहीं थे हमेशा शहे अबरार के पीछे पीछे एक शेर तक लाना है जल्दी जल्दी जी है भाई जी है भाई जी है सलामत है हमेशा शहे अबरा दोनों मिसरे ये मिसरे जौनपुर में ही पढ़े जा सकते हैं पीछे पीछे जिंदगी चूम रही थी शहवाला के कदम जिंदगी चूम रही थी शहवाला मौत थी लश्कर कुफार के पीछे पीछे मौत थी लश्कर कुफार इस दुआ के साथ इस जिक्र के सदके में जितने भी बीमार हैं मौला उनको शिफा अता करे करने को दीन नबी अपने हर एक गम का इलाज चल पड़ा आबिदे बीमार के पीछे पीछे चल पड़ा सलामत रहे भाई चल पड़ा अब वो शेर मौला अब्बास के गुलाम मेरे भाई मौजूद हैं पांव गाजी ने कभी आगे बढ़ाए ही नहीं थे हमेशा शहे अबरार के पीछे पीछे तो काफले काफले जितने हैं दुनिया में वफादारी के सब हैं अब्बास अलमदार है अब्बास अलमदार के पीछे पीछे जितने शोराए का नाम है भाई सज्जाद गौहर भाई बेताब भाई रजी भाई सबको शामिल करूं आप सबको भी क्यों नाराज़ हमें मिदहत मौला का सफर क्यों नाराज़ हमें मिदहत मौला
पीछे हम भी हैं मीसा में, आप सब शामिल हैं मेरे दामन में, गमे शाह की दौलत है सुहे मेरे दामन में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात काफले जितने हैं दुनिया में वफादारी के सब हैं अब्बास अलमदार के पीछे पीछे। आप सब शामिल हैं जितने मौलाई हैं मौला हुसैन के गुलाम। मेरे दामन में गमे शाह की दौलत है सुहे क्यों मैं घूमूं किसी जरदार के पीछे पीछे। वारिसे है मदे एक मतलब तस्मीन भाई को हुक्म था अभी जौनपुर में जश्न मोजिन करबला में मिसरा था कि है कहाँ कोई मोजिन अली अकबर जैसा। मतला है तज़मीन सलवात पढ़े मैं हाजिर करता हूँ। मदरसा कोई नहीं ज़ैनब मुज़्तर जैसा। मदरसा कोई नहीं ज़ैनब मुज़्तर जैसा जो बना देता है अकबर को पयंबर जैसा जो बना दे है कहाँ कोई मौज़िन अली अकबर जैसा जो बना दे। मदरसा कोई नहीं ज़ैनब मुज़्तर जैसा जो बना देता है अकबर को पयंबर जैसा। एक शेर तज़मीन उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा। उनसे उम्मीद नहीं मदह अली की करना। उनसे उम्मीद नहीं मदह अली की करना ढेर लकड़ी का जिन्हें लगता है मिंबर जैसा। तो इसलिए 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 शेह ने कहा आओ आजादो बेटा। इसलिए शेह ने कहा आजादो बेटा है कहाँ कोई मौज़िन अली अकबर जैसा।